अभी तक नीतीश कुमार और सोनिया गांधी ने गौ मांस के मुद्दे पर आज तक मुंह नहीं खोला है और लालू यादव अपनी टिप्पणी पर कायम है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने बांग्लादेश की सीमा पर इतनी कड़ाई कर दी है कि जो हजारों गायें कटने के लिए बांग्लादेश जाती थी वो जाना बंद हो गया है। तो जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गायों को कटने से रोकने का काम किया है, वहीं लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी गौ मांस खाने की बात कर रहे हैं। बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी तो हम गोवध बंदी का कानून लाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की गायों को कटने से रोका जा सके। जब मैं बिहार का वित्त मंत्री और पशुपालन विभाग का मंत्री था तो सोनपुर के मेले में लालू जी के जमाने में हजारों गाय भैंस ये ट्रेन में लद कर और आसाम जाया करती थी। तो मैंने वित्त मंत्री और पशुपालन मंत्री बनने का सबसे पहला काम ये किया था कि बिहार के सोनपुर मेले से जाने वाली हजारों गायों को जाने पर रोक लगा दिया था और उसी का परिणाम कि पिछले 6-7-8 वर्षों में बिहार से एक भी गाय, बैल, भैंस ये ट्रेनों में लद कर और आसाम नहीं जा सका है। तो हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हम गोवध बंदी का कानून लागू करेंगे तो एक और गो मांस खाने वाले लोग और दूसरी ओर गोवध पर पाबंदी लगाने वाले लोगों के बीच ये लड़ाई है। अब जनता को तय करना है कि गो मांस वाले लोग चाहिए या उनको गोवध बंदी वाले लोग चाहिए।